हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कॉटलिन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। कुछ स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर, क्या जैसे हम पाइथन में लिखते हैं प्रिंट, कई बार प्रिंट लिख सकते हैं और जो चीजें प्रिंट करानी हो उसको प्रिंट करा सकते हैं, तो कॉटलिन में भी ऐसा हो सकता है क्या? तो आइए चलिए दिखाता हूँ। सबसे पहले इंटेलिजी आइडिया ओपन कर लेता हूँ क्योंकि इसी पर हम कोडिंग करेंगे और इसी पर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो चलिए, इसको ओपन कर लिया मैंने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली फाइल पे जाना है और फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाइए, फिर प्रोजेक्ट पे चले जाइए। जैसे प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। हमको कॉटलिन पढ़ना है तो ये कॉटलिन पे टिक कर दिया हमने और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ फाइल का नाम देना है, मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ लाइक सूरज 1 2 3, ये यहाँ नाम दे दिया हमने और एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर कुछ इस तरह का सिनेरियो आएगा। अब यहाँ पर सूरज 1 2 3 जो हमने बनाया था उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर दिखेगा आपको, ठीक है, राइट साइड में। और अब सोर्स फाइल पे जाना है हमें और राइट क्लिक करना है, ठीक है। जैसे राइट क्लिक करेंगे न्यू दिखाई पड़ेगा और यहाँ से कॉटलिन क्लास फाइल पे आपको आ जाना है। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें फाइल बनानी है, ठीक है। तो यहाँ फाइल का नाम देना है आपको, तो यहाँ पे मैं अपना ही नाम दे देता हूँ सूरज, और फिर यहाँ पर फाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास कॉटलिन की एक फाइल आ जाएगी। अब यहाँ करना क्या है, यहाँ पर मैं फन नाम से देता हूँ मैं मेन, ठीक है। तो फन मेन ये बना दिया हमने, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आएंगे कैलिब्रेशन को ओपन कर लेंगे। कैलिब्रेशन को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखना है आपको प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट और डबल ट्रेड कोर्स ओपन करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ हेलो आई एम सूरज, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और अब इसको एक बार यहाँ से रन करवा लेते हैं, तो यहाँ पर जाएंगे और ये रन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर यही फाइल थी हमारी, तो इसी पे डबल क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यही चीज प्रिंट होकर आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फिर से एक बार प्रिंट, ठीक है, ये प्रिंट लिख दिया हमने। और अब यहाँ पे लिखता हूँ अपने सिटी का नाम, तो ये छोटी सी सिटी है हमारी, तो देवरिया लिख दिया मैंने। अब ये देखिए, इसको फिर मैं रन करवाता हूँ, तो इस बार मैं रन करवाऊंगा तब क्या होगा, अब ये दोनों ही चीजें एक साथ प्रिंट होकर आएंगी, एक ही साथ ये प्रिंट होंगी। देखिए तो यहाँ पे देखिए हेलो आई एम सूरज और ये देवरिया एक साथ प्रिंट हो रही है। अगर आप नहीं चाहते कि एक साथ ना प्रिंट हो, आप चाहते हैं कि अलग अलग ये प्रिंट हो, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ \n लगा देता हूँ, ठीक है। देवरिया के पहले \n लगा दिया हमने और अब फिर एक बार इसको रन करवा लेता हूँ देखने के लिए। तो इसको जब रन करवाएंगे तो ये देवरिया नीचे प्रिंट होकर आएगा, तो ये देख सकते हैं हेलो आई एम सूरज ऊपर प्रिंट हो रहा है, उसके ठीक नीचे देवरिया प्रिंट हो रहा है। चलिए एक बार और लिखते हैं प्रिंट, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट के अंदर हमें क्या देना है, इस बार हम देंगे आई एम अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। अब क्या ये भी प्रिंट होकर आएगा? जी हाँ बिल्कुल, ये जितना लिखेंगे उतना प्रिंट होकर आता चला जाएगा। तो यहां पर ये इसी लाइन में प्रिंट हो जाएगा, देखिए यहां पर देख सकते हैं हेलो आई एम सूरज और ये देखिए देवरिया ने प्रिंट हो रहा है और यहां पे प्रिंट हो रहा है आई एम अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो देवरिया हटा दिया मैंने तो इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर आप देवरिया रखना चाहते हैं तो यहाँ पे देवरिया भी प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे खाली लिख दीजिए प्रिंट और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में दीजिए देवरिया, तो ये देवरिया जो है प्रिंट हो जाएगा ये भी, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर \n लगा देता हूँ ताकि ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, तभी तो देखने का मजा आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ कुछ इस तरीके से \n, ठीक है, देखने में ठीक रहेगा, साफ साफ दिखाई पड़ेगा आपको। अब ये हमने कर दिया फिर से रन, तो देखेंगे कि तीनों अलग अलग लाइन में प्रिंट होकर आएगा। देखिए हेलो आई एम सूरज देवरिया आई एम अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, तो इस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हैं, नो डाउट कि इस तरीके से भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैंने दिखा भी दिया, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।